दरभंगा से भाजपा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी को दरभंगा आने का न्योता दिया। आपको बता दें कि एम्स और डबल लाइन रेलवे ओवर ब्रिज का शिलान्यास होना है, जिसको लेकर सांसद ने पीएम को न्योता दिया है। वहीं सांसद ने विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर राज्य की जनता का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जी, जो जगत जननी माँ जानकी सीता जगदम्बा, मिथिला की बेटी, जो 600 साल से बेघर थी, और प्रभु श्री राम त्रिपाल में 600 साल से अयोध्या की धरती पर, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करके और दिव्य और भव्य जो मंदिर निर्माण की बात हुई है इस मिथिला क्षेत्र में, इस चुनाव में इसका भी प्रभाव पड़ा। दमोह के भभुआ में दीपावली को लेकर पटाखों की खरीदारी में कमी देखने को मिल रही है। दरअसल जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि जिनके पास लाइसेंस है वही पटाखे बेच सकते हैं। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस साल मंदी के कारण बिक्री में काफी कमी है। पहले कैमूर वासियों को दीपावली के अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर साल पटाखा हम लोग लगाते हैं, मगर इन साल कोरोना काल में पटाखा का बिक्री बहुत ही कम, बहुत प्रभाव पड़ा है कोरोना की वजह से, और कस्टमर भी छोटे से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि कोरोना काल में पटाखों को कम यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, इसके कस्टमर थोड़ा सा इससे डाइवर्ट हो रहे हैं। कैमूर में एक अजीबो गरीब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। दरअसल कैमूर का युवक पश्चिम बंगाल की युवती से प्रेम विवाह करने के बाद अब फरार हो गया, जिसके बाद युवती पश्चिम बंगाल से चलकर कैमूर पहुंची है, जहां उसने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की। गया के जिला अधिकारी अभिषेक सिंह जिला वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई दी है। वहीं इस मौके पर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मिट्टी के दिए खरीद कर लोगों से अपील की है कि स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। पुनः मैं लोगों से अनुरोध होगा कि दीपावली जिन परंपराओं के आलोक में मनाते हैं, आधार में मनाते हैं, उसी परंपरा में दिए हैं, मिट्टी के दिए भी हैं, और मिट्टी के दिए को हम लोग जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो इकोलॉजिकल फ्रेंडली भी होगा, और ऐसे बहुत सारे हमारे कुम्हार हैं जो इस पे जीवन यापन करते हैं, उनका दिवाली भी हम मनाना सुनिश्चित करा पाएंगे अगर हम दिए खरीदें। छपरा में लियो क्लब छपरा की ओर से छपरा कचहरी स्टेशन पर दीपावली की पूर्व संध्या दीप उत्सव मनाया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि इस बार उनकी दिवाली शहीदों के नाम होगी। वहीं उन्होंने लोगों से भी शहीदों के सम्मान में एक दिया जलाने की अपील की। ये दीपोत्सव जो है, ये कार्यक्रम जो है, ये हमारा जो लायंस क्लब का जो यूथ विंग लियो क्लब है, लियो क्लब छपरा सारण और लियो क्लब फेमिना, ये पिछले करीब 5-6 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है, और ये जो हमारे जवान जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और जो हमारे विभिन्न प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके सम्मान में हम लोग ये दिया जलाते हैं। देखिए, यह जो हमारा कार्यक्रम है दीपोत्सव एक दीप शहीदों के नाम, 2015 से ये लियो क्लब छपरा सारण निरंतर कचहरी स्टेशन परिसर में दुर्गा मंदिर के पास करता आ रहा है, और यह हमारा 6th वर्ष है। अरवल जिला के परासी थाना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने हरियाणा में निर्मित हजारों लीटर शराब के साथ 2 वाहन सहित शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और कामयाबी मिली।